जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एक ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी सिस्टम लॉन्च किया है और मैं पिछले महीने से ही इसका मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देने वाला था, लेकिन बीच में एक दिक्कत आ गया कि बहुत सारे मैंने ऐसे सर्च करते हुए मैंने चीज़ें देखा कि बिना ट्रेडमार्क किए ही अगर अपना बिजनेस को आप प्रमोट कर दोगे, और क्योंकि मैं यूट्यूब पे प्रमोट कर रहा हूँ, चारों तरफ लोगों को पता पड़ जा रहा है, तो आपका जो नाम है, बिजनेस नेम है, वो कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा ले सकता है। मैंने ये नाम ढूंढने के लिए लगभग 6 महीने लगाया है, और आज के दिन में आप अगर ढूंढने जाओगे कोई भी बिजनेस नेम, खासकर छोटा नेम अगर होगा, जैसे हमारा बिजनेस का नाम जो है वो छोटा है, JOPER, जोपर, तो वो आसानी से मिलना नहीं है, इतना आसान नहीं है कि वो मिल जाए, क्योंकि हर चीज़, जो भी नाम आप सोचोगे, लगभग सारे ट्रेडमार्क किसी न किसी कंपनी ने, किसी बंदे ने करके रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले प्रमोट करने से पहले मुझे इसको ट्रेडमार्क करवाना ही करवाना है। तो खुशी की बात यह है कि हम लोग को ट्रेडमार्क मिल चुका है, नाम तो वही मिला है, लेकिन लोगो हम लोग थोड़ा चेंज किए हैं, तो अभी हम लोग वो नेम के ऊपर TM भी लिख सकते हैं, तो वो भी हम लोग लिखेंगे और एप्लीकेशन में, वेबसाइट में भी वो अपडेट कर देंगे। फिलहाल हम लोग वेबसाइट में मैं अपडेट कर चुका हूँ, तो बाकी एप्लीकेशन में अपडेट करने में 2-3 दिन लगेंगे। तो ये हो गया। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, बिजनेस करना और उसके साथ साथ वीडियो बनाना, और सिर्फ बिजनेस के लिए वीडियो बनाने में बहुत फ़र्क है। तो जैसे कि आप लोग बोले हो कि मैं डेली वीडियो बनाऊँ, मैंने भी सोचा है कि मैं डेली वीडियो बनाऊँगा, लेकिन इस ऐसा हालत हो जाता है ना हम लोगों का कि मैं वीडियो बनाने, अगर मैं उस तरीके के वीडियो बनाऊंगा तो आपको लगेगा कि भाई किस तरीके से, गंदे तरीके से वीडियो बना रहा है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो फिलहाल हम लोग, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग होम डिलीवरी ज़्यादा करते हैं, तो हम लोग ऑर्डर वगैरह प्रोसेस कर रहे हैं, और बहुत सारे चीज़ आप देखोगे कि अभी दुकानों पर जो ब्रांडेड सामान है वो हम लोग थोड़ा कम कर दिए हैं। आप देख सकते हो कि ब्रांडेड सामान कम है। इसका रीज़न ये है कि अभी के दिन में जो ब्रांडेड सामान है, जो ऑनलाइन लोग मंगवाते हैं, तो ब्रांडेड सामान के लिए लोग बिग ब्रांड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम लोगों के मुकाबले। तो हम लोग जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मैं भी खुद प्रेफर यही करता हूँ कि हम लोगों को जो ब्रांडेड सामान है उसके मुकाबले हम लोगों को जो नॉन ब्रांडेड, जो देसी चीज़ें होते हैं, जो ऑर्गेनिक चीज़ें होते हैं, दाल वगैरह या फिर जो इसको पल्सेस वगैरह, वो सारा हम लोग ज़्यादा काम करेंगे। साथ ही साथ वेजिटेबल्स भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, और हमारा एप्लीकेशन भी आप अगर आप अभी देखोगे तो हम लोग उसको भी बहुत थोड़ा हद तक हम लोगों ने चेंज कर दिया है। और देखिए, एक जो स्टोर है जो झारखंड का, जितने भी ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर आ रहे हैं, उसमें से ज़्यादा ऑनलाइन ही ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं लोग। तो मैंने पहले सोचा था कि हम लोग सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, ऑनलाइन नहीं करेंगे, लेकिन आप मानोगे नहीं, 70% से भी ज़्यादा लोग अभी ऑनलाइन पे करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो जो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है पेमेंट गेटवे के थ्रू, तो उसमें हमारा 2% डिडक्ट कर रहे हैं कंपनी, और उसके बाद हमें अकाउंट में आ रहे हैं। और वो भी एक दिक्कत वाली बात ये है कि हमारे अकाउंट पर वो आ रहे हैं, ना ही वो वेंडर के अकाउंट पर जा रहे हैं। और बाकी आज कल से मैंने प्रोडक्ट अपलोड करना स्टार्ट किया है अपने स्टॉक पे, और एक बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जो शॉप है वो कस्टमर भी रहते हैं शॉप पे, और कस्टमर के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन भी डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ ऑनलाइन डिलीवर करते तो थोड़ा मेरे लिए और आसान हो जाता, लेकिन क्योंकि मेरा एक फ़िज़िकल स्टोर है और ऑनलाइन स्टोर दोनों एक साथ में काम कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे थोड़ा चीज़ों को ऑटोमेट करना पड़ रहा है। और ये जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं अभी देख रहे हो, ये व्हाट्सएप पर आया हुआ है, वो सारे हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। सुबह सुबह कुछ ऑर्डर हम लोगों ने भिजवा दिए हैं और ये सेकंड लॉट जा रहा है। तो फिलहाल नए नए प्रोडक्ट भी हम लोग लाने वाले हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लूज सामान हैं जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करना है लोगों को, और आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से चीज़ें प्रॉफिटेबल है। लोग वैसे भी बोलते हैं कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन से होंगे, कैसे नहीं होंगे, आप लोग रेगुलर वीडियो देखते जाओ, मैं बहुत सारी चीज़ ऐसे बताऊँगा जो आपको, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो फिलहाल मुझे अभी ये बिल वगैरह करना है, तो बिल वगैरह करता हूँ। और सामने देखो, नीचे ये सामान दे के गया है कंपनी फॉर्चून का। चलो, तो बाकी ये 2-3 ऑर्डर हम लोग प्रोसेस करते हैं और निकलते हैं।